तो अगला हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो सीमेंट हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है? तो सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। मतलब बंधक पदार्थ है, ठीक। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट हमारा मृतकामय और चूनामय पदार्थ को मिलाकर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सीमेंट हमारा क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट को हम चूनामय पदार्थ और मृतकामय पदार्थ के कंपोनेंट को जितना होना चाहिए इक्वली मिलाकर पीसकर पकाकर बनाते हैं, जो हमारा निर्माण पदार्थ बनके तैयार होता है उस निर्माण पदार्थ को क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। किस दो चीज से मिलकर बन रहा है? चूनामय पदार्थ और मृतिकामय पदार्थ, मतलब कैल्सियस मटेरियल और एल्गेरियस मटेरियल को मिक्स करके जितना कंपोनेंट होने चाहिए, जितना परसेंट होना चाहिए, उनके निश्चित मात्रा में मिलाकर भट्ठे में पकाकर उसकी पिसाई करके बोरे में पैक कर जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनकर तैयार होता है उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। और सीमेंट हमारा क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है। क्लियर है बात? नॉर्मली जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो सीमेंट हमारा क्या कहलाता है? ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। तो सीमेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सीमेंट, व्हाट इज सीमेंट? तो सीमेंट इज आवर बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट हमारा एक बंधक पदार्थ है जो चूनामय और मृतकामय पदार्थ के निश्चित मात्रा को मिलाकर पकाकर पिसाई कर बनाया जाता है। क्लियर? सीमेंट, सीमेंट को सबसे पहले उपयोग किया गया था 1874 में पोर्टलैंड नामक स्थान पे, इसीलिए इसका जो पहला सीमेंट का नाम पड़ा था वो पहला सीमेंट हमारा क्या था? ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था। क्लियर है बात? अब सीमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है कृतिकामय पदार्थ, एक होता है कृतिकामय सीमेंट, और एक हमारा होता है प्राकृतिक, मतलब एक नेचुरल सीमेंट और दूसरा हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल सीमेंट। तो नेचुरल सीमेंट क्या होता है? नेचुरल सीमेंट में हम क्या करते हैं? नेचुरली ऐसे पत्थर को लाते हैं जिसमें 40% to 50% हमारा क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। उसके अलावा एल्यूमिना होगा, मैग्नीशिया होगा, ठीक, और इन अदर मटेरियल्स होंगे। इनको पीस कर जब हम उपयोग करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल सीमेंट कहलाता है। इसमें अलग से किसी भी प्रकार के कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे पत्थर जिसमें 40% से 50% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एल्यूमिना, उसके बाद एल्यूमिना, उसके बाद मैग्नीशिया, उसके बाद अदर मटेरियल, उसका उपयोग करके जो बनाते हैं वो हमारा जो सीमेंट होता है नेचुरल सीमेंट होता है। नेचुरल सीमेंट को हम लोग रोमन सीमेंट भी बोलते हैं। तो बस इसमें आपको यही चीज जानना है कि सीमेंट हमारे कितने टाइप के नॉर्मली होते हैं। एक नेचुरल सीमेंट होता है और दूसरा आर्टिफिशियल सीमेंट। नेचुरल सीमेंट में 40% से 50% अब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अलावा एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, अदर मटेरियल होते हैं। नेचुरल सीमेंट को हम लोग रोमन सीमेंट भी कहते हैं। भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक, क्लियर है बात? देन हमारा दूसरा हमारा आता है आर्टिफिशियल सीमेंट। आर्टिफिशियल सीमेंट में हम क्या करते हैं? चूनामय पदार्थ और मृतकामय पदार्थ की निश्चित मात्रा को मिलाकर पीस कर ग्राइंड करके जो हमारा सीमेंट और अदर
प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स डालकर जो बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सीमेंट कहलाते हैं। नॉर्मली जो हमारे ये सीमेंट होता है ओबीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा ये होता है, ठीक। और भी कई टाइप के होते हैं लेकिन जो पहला सीमेंट इस तरीके से बनकर तैयार हुआ था उस सीमेंट का नाम हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, जिसका अत्यधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का बाइंडिंग मटेरियल, ठीक। कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मली नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट होते हैं। क्लियर हो गया होगा।